तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैडम मुकेश में आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो में हम एडसेंस के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा एडसेंस यहाँ पर डिसेबल हो चुका है और कैसे डिसेबल हुआ है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और आप अगर ये सारी गलती करती हैं तो आपका भी एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो आप इस तरह की गलती ना करें, इस कारण से मैं यार ये पहले ही आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। तो बने रहना इस वीडियो के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी वीडियोस दिखते रहने के लिए। तो एडसेंस अप्रूवल हमारा डिसेबल हो चुका है, उसके अंदर हमारा वेबसाइट भी था और यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन भी उसी एडसेंस के ऊपर था। तो वो एडसेंस अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो यार ये कैसे हुआ और आपके साथ ये ना हो, इस कारण से मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे एडसेंस है वो डिसेबल हो चुका है। डिसेबल होने के बाद क्या हुआ कि हमने तुरंत से एडसेंस चेंज कर दिया। एडसेंस इस कारण से डिसेबल हुआ था कि जो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के कारण हमारा एडसेंस अकाउंट बंद हो चुका था, क्योंकि उसी नाम से एक और एडसेंस बना हुआ था। इस कारण से उस गूगल ने यहाँ पर हमारी बात को पकड़ लिया और एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का रीज़न बता करके हमारे एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया। और उसी के अंदर हमारा वेबसाइट भी था, उसी के अंदर हमारा यूट्यूब चैनल का एडसेंस की भी हुआ था। एक एडसेंस एक वेबसाइट था और एक यहाँ पर यूट्यूब चैनल कनेक्ट था। तो इस कारण से हमारा ये एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो चुका है। तो आप भी इस तरीके की अगर गलती करते हैं तो आपका भी यहां से नुकसान हो सकता है। इस कारण से आप इस तरीके की गलती ना करें। और सबसे पहली तो गलती हमारी ये थी कि कभी भी आप अपने यूट्यूब चैनल को और अपनी वेबसाइट को एक ही एडसेंस से लिंक ना करें। वेबसाइट के लिए कोई और आप एडसेंस को बनाएं किसी और नाम से, और यूट्यूब चैनल के लिए आप किसी और नाम से एडसेंस को बनाएं। हमेशा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट के कारण आपका एडसेंस डिसेबल होता है तो आपका साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी संग में जाता है। और ऐसा कि मेरे साथ यहाँ पर हो चुका है, एडसेंस अकाउंट मेरा डिसेबल हो चुका है। इस कारण से आप इस तरीके की गलतियाँ ना करें। आप कभी भी एक एडसेंस के अंदर अपने मल्टीपल वेबसाइट को ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप वेबसाइट ब्लॉगर पर बनाते हैं और किसी ने आपकी साइट के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी जानबूझ के कर दी, क्योंकि हेटर्स का सबके रहते हैं और आपके चैनल के साथ में इस तरीके की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी किसी ने जानबूझ कर दी, किसी ने बार बार ऐड पर क्लिक कर दिया और गूगल एडसेंस को पता चल गया, तो भाई आपका दोनों वेबसाइट आपकी परमानेंट डिसेबल हो जाएंगी। वो एडसेंस भी डिसेबल हो जाएगा, आपकी सारी अर्निंग भी डिसेबल हो जाएगी। तो आप अपनी अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग एडसेंस का उपयोग करें और अलग अलग नाम से अपने एडसेंस को बनाएं, ताकि आपके एडसेंस पर कोई भी ऑलरेडी हैव एन एडसेंस का प्रॉब्लम ना आए। और ऑलरेडी हैव एन एडसेंस का प्रॉब्लम भी इसी तरीके से इसीलिए आता है क्योंकि हमारे जो साइट रहती है, जो हमारा एडसेंस अकाउंट रहता है, वो हमारा ही अलग अलग नाम से हम बना लेते हैं एक ही फ़ोन के अंदर, एक ही ब्राउज़र के अंदर। इस कारण से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बाद में हमें ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस कारण से आप एक ही एडसेंस से मल्टीपल अकाउंट्स को कनेक्ट ना करें और आप भी अपने एडसेंस अकाउंट को सिक्योर करें, CTR को चेक करते रहें, वरना आपका एडसेंस अकाउंट भी मेरी तरह बैन हो सकता है। और इनवैलिड क्लिक का एक्टिविटी आपको यहाँ पर मेल के द्वारा बताकर आपका एडसेंस को अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स करते हैं अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर। तो कभी भी अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड ना करें, जैसे कि एक वेबसाइट और एक दो तीन वेबसाइट या फिर एडसेंस यूट्यूब चैनल को। अगर आप सारा कुछ एकदम मिलाकर करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आगे देखने को मिलने वाली है। अगर अभी भी आपने ऐड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल को, अपनी वेबसाइट को एक एडसेंस से, तो आज ही अपनी वेबसाइट को वहाँ से हटा दें और किसी फैमिली मेम्बर के एडसेंस अकाउंट के नाम पर आप बना लें और आपको वहाँ पर कोई फिर प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने वेबसाइट को चेंज कर दिया और एडसेंस के अकाउंट को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि अब तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यहाँ पर एडसेंस चेंज करने का ऑप्शन रहता है, तो हमने एडसेंस को चेंज कर दिया, वेबसाइट को उस पुराने एडसेंस से डिस्कनेक्ट कर दिया और नए एडसेंस से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारी कहानी थी मेरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवेयर रहें इन सारी प्रॉब्लम से। और बस ये आज के वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।